प्रिय छात्रों, पिछले सत्र में हमने आपकी विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के जो अध्याय बल और गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इसकी शुरुआत की थी। इससे पूर्व गति नामक अध्याय हमने विस्तार से तैयार कर लिया था। उम्मीद है कि आपने उसकी पुनरावृत्ति भी कर ली होगी और आपको समझ में आया होगा। कल से, मतलब पिछले सत्र से, जो हमने बल की शुरुआत की थी, उसमें बल क्या है, हम बल किसे कहते हैं, तो हमने देखा था कि बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति, आकार या आकृति में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। बलों के दो कैटेगरी पे हम बात कर रहे थे, संतुलित बल और असंतुलित बल। तो हमने ये देखा था कि जो संतुलित बल होते हैं, ये ऐसे बल होते हैं कि इनमें कुल जो परिणामी बल है वो शून्य होता है। उदाहरण के लिए हम बात करें, मान लिया ये कोई बॉक्स है, इसे हम खिसकाना चाह रहे हैं और हमने इधर से इस पे बल F लगाया और इसके विपरीत दिशा में ही, हम जानते हैं कि जब दो वस्तुएं संपर्क में रखी होती हैं और हम उनके बीच में आपेक्षिक गति करा रहे होते हैं, तो गति का विरोध करने वाला एक दोनों वस्तुओं के बीच में जो घर्षण होता है उसके कारण घर्षण बल लगता है। घर्षण बल मान लिया इसमें इस दिशा में लग रहा है क्योंकि गति के विपरीत दिशा में लगेगा। जो बल हमने लगाया वो F1 है और घर्षण बल F2 है। तो अगर F1 और F2 दोनों का परिमाण समान है, तो चूंकि ये दोनों विपरीत दिशा में है इसलिए क्या होगा कि F1 और F2 एक दूसरे के क्या होंगे, परिमाण में बराबर होंगे। तो अगर ये बराबर हैं तो क्या होगा, परिणामी बल क्या हो जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं कि F1 और F2 का जो योग होगा वो शून्य होगा। और अगर ये शून्य है तो हम कहेंगे कि इस बॉक्स पर लगे हुए बल क्या है, संतुलित बल है। असंतुलित बल होंगे तो इसका मतलब इन दोनों बलों का जो सम्मिलित प्रभाव है वो शून्य है, और सम्मिलित प्रभाव शून्य होगा तो इसका मतलब इसमें कोई गति नहीं होगी, हम इसको खिसका नहीं पाएंगे। आप देखते भी हैं कि जब हम क्या है किसी जमीन पे रखे हुए भारी संदूक पे या किसी भी भारी वस्तु पे कम बल लगा रहे होते हैं तो वो खिसकता नहीं है। उसका कारण यही है कि हमारे द्वारा लगाए गए बल को जो सतह है जिस पर वो संदूक रखा गया है, उस सतह और संदूक के बीच में लगाया गया जो लगने वाला जो घर्षण बल है वो क्या कर देता है, संतुलित कर देता है। लेकिन अगर हम बात करें असंतुलित बलों की, तो असंतुलित बल में क्या होता है कि परिणामी जो बल है इनका वो शून्य नहीं होता है। उस स्थिति में क्या होगा, इसी उदाहरण को हम फिर से देख लेते हैं कि हमने बॉक्स पर बल अपनी ओर से F1 लगाया और जो घर्षण बल यानी विरोधी बल यहां पे लग रहा है गति का वो F2 है। अब आप देख रहे होंगे कि जो संतुलित बल में मैंने चित्र बनाया था, मैं उसी चित्र का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन यहां पर हम इसके परिमाण को बदल देते हैं। यहां पर F1 और F2 इनके मान बराबर नहीं है। हम ले लेते हैं कि यदि हम क्या करते हैं, F1 को बढ़ा देते हैं, यानी हम बहुत ज्यादा बल लगा रहे हैं, घर्षण बल की तुलना में अधिक बल लगा रहे हैं, तो F1 अगर हम क्या कर दें, बड़ा कर दें किससे, F2 से, तो क्या होगा कि इनका परिणामी बल जो आएगा वो शून्य नहीं होगा। और जब परिणामी बल शून्य नहीं होगा तो एक कुल मिलाकर इस बॉक्स पे बल लग रहा होगा। तो जब परिणामी बल शून्य नहीं होता है तो जिन बलों का परिणामी शून्य नहीं होता है
ऐसे बलों को हम असंतुलित बल कहते हैं। अब कल्पना कीजिए कि यदि किसी भी वस्तु पर असंतुलित बल लग रहे हो तो क्या होगा। हमारे पास उदाहरण के लिए यही बॉक्स लिया गया है, इस पर F1 ज्यादा लग रहा है, F2 कम लग रहा है, क्योंकि हमने ले लिया कि F1 इज ग्रेटर देन F2। F2 क्या है, छोटा है F1 से, या F1 बड़ा है F2 से। तो इस स्थिति में क्या होगा कि यह बल इसका पूरा पूरा विरोध करके इसे संतुलित नहीं कर पाएगा, और इस दिशा में जिधर हम F1 लगा रहे हैं, इस दिशा में इनका एक परिणामी बल लगेगा जिसका मान F1 - F2 होगा। तो चूंकि इस पे एक परिणामी बल लग रहा होगा, तो क्या होता है ऐसी स्थिति में, ये वो स्थिति है जब हम क्या करते हैं कि और ज्यादा ताकत लगा रहे हैं संदूक को खिसकाने के लिए, और आप देखते हैं कि संदूक खिसकने लगता है। अर्थात अगर असंतुलित बल लग रहे हो तो वस्तु क्या होगी, उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा, या हम कहते हैं वस्तु की गति में परिवर्तन हो जाएगा। यही स्थिति अगर ये बल क्या होता, इधर से लगाया जाता विरोधी बल होता, तो गतिमान वस्तु को क्या है, गतिमान वस्तु पे अगर क्या है दूसरी तरफ से विरोधी बल लगा दिया जाए, तो विरोधी बल लगाने से गति को हम रोक भी सकते हैं। तो कुल मिलाकर गति में परिवर्तन शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं कि गति की दर को हम बढ़ा भी सकते हैं बल लगाकर, और गति की दर को कम भी कर सकते हैं। गति की दर अगर शून्य है अर्थात वस्तु स्थिर है, तो वस्तु को गतिमान भी कर सकते हैं। तो हम निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि जो असंतुलित बल होते हैं, असंतुलित बल ही क्या होते हैं, गति का कारण है। यानी किसी वस्तु की या गति के भी ज्यादा हम कहते हैं गति में परिवर्तन का। गति को प्रारंभ करना है तब भी आपको असंतुलित बल की आवश्यकता होगी, गति में परिवर्तन करना है तब भी असंतुलित बल की आवश्यकता होगी। तो अगर बल संतुलन में है तो वो गति को प्रभावित नहीं कर पाते हैं, और बल असंतुलित है तो ही वो गति को प्रभावित कर पाते हैं। तो ये हमने समझा कि गति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए क्या है, असंतुलित बल ही होने चाहिए। यानी निकाय पर किसी भी वस्तु पर जितने भी बल लग रहे हैं उनका परिणामी शून्य नहीं होना चाहिए। यदि परिणामी शून्य है तो उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और परिणामी शून्य नहीं है तो गति में परिवर्तन होगा। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, गति के नियम। क्योंकि हम पिछले अध्याय में गति के बारे में काफी बातचीत कर चुके हैं, इस अध्याय में हम देखेंगे कि गति कुछ विशेष नियमों के आधार पर हम उसको समझ सकते हैं, गति का हम वर्णन कर सकते हैं, और दैनिक जीवन में जो कई घटनाएं जिनका हम अनुभव करते हैं उनका भी हम कारण कि वो क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, उसकी व्याख्या भी हम इनके आधार पर कर सकते हैं। तो हम बात करते रहे हैं गति के नियमों की। तो गति के कुल तीन नियम हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। तो सबसे पहले हम प्रथम नियम से शुरुआत करते हैं। गति का जो प्रथम नियम है इस पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं फिर से आपको एक कल्पना करने के लिए कहता हूं, या अपने आसपास का निरीक्षण करने के लिए कहता हूं। आप अपने कक्ष में या कमरे में इस समय बैठे हैं, तो आप देखिए आपके चारों ओर जो वस्तुएं हैं, कोई मेज पर रखे गिलास हो सकता है, कोई कमरे में रखी हुई कुर्सी हो सकती है, चारपाई हो सकती है, या कोई भी वस्तु है, अगर वो स्थिर अवस्था में है तो क्या वो स्वतः खुद ब खुद चलने लगेगी? क्या ऐसा संभव है कि वो स्वयं गतिमान हो जाए?
आपके पास मेज पर रखा हुआ गिलास क्या स्वयं ही चलने लगेगा या चारपाई खुद ही खिसकने लगेगी? तो आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। यानी जो वस्तु स्थिर है वो वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहेगी। अब मैं अगर कहूं कि अगर उसे स्थिर अवस्था में न रखना चाहें हम, अगर हम उसे गति कराना चाहें तो क्या करेंगे उसके लिए? उसका उत्तर अभी हमने दिया था कि यदि हम वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करना चाहते हैं या गति की अवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमें उस पर असंतुलित बल लगाना पड़ेगा, यानी कोई बाहरी बल लगाना पड़ेगा उस पर। तो आप क्या करेंगे, गिलास को खिसकाने का प्रयास करेंगे, बल लगाएंगे तो खिसका सकते हैं। चारपाई है उस पर बल लगाएंगे खिसका सकते हैं, कोई संदूक है उस पर बल लगाएंगे पर्याप्त मात्रा में तो उसको भी खिसका सकते हैं। तो हमने ये देखा कि यदि वस्तु स्थिर है और हम उसे गतिमान अवस्था में लाना चाहते हैं तो वो उसके लिए क्या होगा, एक बल की आवश्यकता होगी। यानी जब तक हम स्थिर वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगाएं तो वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में ही बनी रहेगी, और अगर हम उसको स्थिर अवस्था से गतिमान अवस्था में लाना चाहते हैं तो हमें बाह्य बल की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा उदाहरण, हम किसी गतिमान वस्तु के बारे में सोचें। आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं और पैडल मार के आपने साइकिल को खूब तेज गति प्रदान कर दी, तेजी से हमारी साइकिल चल रही है, और थोड़ी देर में धीमे 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 क्या होता है कि अगर आप पैडल मारना बंद कर देते हैं तो साइकिल धीरे धीरे क्या होगा, अगर समान या सतह पे या ऊंचाई की तरफ जा रही है तो क्या होता है, वो अपने आप ही रुक जाती है। ये सामान्य सा अनुभव है। या कोई भी है, आपने किताब को धक्का मारा, थोड़ा सा चलेगी और चलने के बाद हुआ ही वो रुक जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने अभी बात की थी घर्षण के बारे में। घर्षण जो बल है वो जिस सतह पे वस्तु चल रही है उस सतह के और वस्तु के बीच में लगने वाला ऐसा बल है जो उस गति का विरोध कर रहा है। ये बल क्या कर रहा है, गति को रोक रहा है। अगर कल्पना कीजिए घर्षण बल ना होता तो गति को रोकने वाला कोई भी बल ना होता और वस्तु जैसी गति कर रही थी वैसी गति करती ही रहती, उसकी गति चलती रहती। यानी अगर आपने एक बार साइकिल पे पैडल मारे तो साइकिल चलती ही रहती। अब उसके भी बड़े नुकसान है, वो आगे हम चर्चा करेंगे कि ऐसा होता, आप सोच रहे होंगे ऐसा होता तो बिल्कुल आनंद ही आ जाता, पैडल लगाए और साइकिल चलती है उसके बाद आराम से बैठे हैं। लेकिन घर्षण बल भी बहुत आवश्यक है, गिर जाते हैं हम साइकिल से। आगे विशेष जब घर्षण बल का टॉपिक आएगा तो उसमें हम चर्चा करेंगे। अभी हम ये समझ सकते हैं कि उस साइकिल की गति को रोक रहा है जो बल, वो कौन है, घर्षण बल है। यानी कोई ना कोई ऐसा बल लग रहा है जो गति का विरोध कर रहा है, उसके कारण उसकी गति प्रभावित हो रही है। यानी स्थिर वस्तु को गतिमान अवस्था में लाने के लिए और गतिमान अवस्था को स्थिर अवस्था में लाने के लिए, या यहां तक कि गतिमान अवस्था की गति को और बढ़ाने के लिए भी, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि गति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए किसी न किसी असंतुलित बल की, यानी बाह्य बल बाहर से हमें लगाना ही पड़ेगा, ऐसे बल की आवश्यकता होती है। अगर ये बल नहीं है तो वस्तु जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बनी रहती है या उसी स्थिति में गति करती रहती है। इसी को कहते हैं गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम इसका दूसरा नाम भी है, इसे जड़त्व के नियम से भी हम जानते हैं। गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम भी हम इसे कहते हैं। तो ये नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अथवा गतिमान अवस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगी
जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये गति का प्रथम नियम है, इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं, इस नियम को हम अलग अलग दो भागों में भी समझ सकते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो वो तब तक स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो अगर हम इसे केवल स्थिर अवस्था की बात कहते हैं तब इसी नियम को हम विराम विरामावस्था से संबंधित है, इसलिए विराम का जड़त्व भी कह देते हैं। और दूसरा पार्ट है जो इसका, उसे यदि अगर हम अलग से बोलना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो अगर हम केवल गति अवस्था की बात करते हैं तो इसको गति का जड़त्व भी हम कह देते हैं। लेकिन सार रूप में, समग्र रूप में इकट्ठा हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यदि कोई वस्तु स्थिर अथवा गतिमान अवस्था में होती है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यहां पर आप देख सकते हैं कि बाह्य बल, जो शब्द यहां पे लिखा हुआ है, बाह्य बल का मतलब बलों के असंतुलित रूप से है, जिस पर हम अभी पहले काफी चर्चा कर चुके हैं। तो मैं समझता हूं ये जो नियम है, प्रथम नियम जड़त्व का नियम, ये हमें इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, या ये नियम कहता क्या है, ये तो हमें स्पष्ट हो चुका होगा। लेकिन इस नियम को हम कहाँ अनुभव करते हैं, इसके दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग है, क्या उपयोग है, इस पर भी हम थोड़ा बातचीत कर लें तो हमें इस नियम को और बेहतर तरीके से समझने में आसानी होगी। कभी आपने देखा है चलते चलते अगर हमको ठोकर लग जाती है, लगी है कभी ठोकर? शायद ही ऐसा हम में से कोई हो जिसे जीवन में कभी ठोकर न लगी हो। हम कई बार खेलते कूदते दौड़ रहे होते हैं, चलते हैं, तो ठोकर लगती है। ठोकर लगने के बाद क्या होता है, हम गिरते हैं। किधर गिरते हैं हम, यानी किस दिशा में गिरते हैं, आगे की ओर या पीछे की ओर, सोचिए या कीजिए। तो देखिए, सभी का अनुभव है कि जब भी हमें ठोकर लगती है तो हम किधर गिरते हैं, आगे की ओर। ऐसा क्यों होता है, इसकी व्याख्या भी जड़त्व का नियम करता है। देखिए, विज्ञान में हमें क्या है, क्यों और कैसे, इसका उत्तर मिलता है आसानी से। ये ज्ञान सभी को है कि जब ठोकर लगती है तो हम आगे की ओर गिरते हैं, ये जानकारी है, इसको हम ज्ञान कह सकते हैं। लेकिन उसके पीछे क्या सिद्धांत है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे होता है, इसकी जो जानकारी है, इसका जो वर्णन करता है, इसके पीछे जो सिद्धांत है, वही विज्ञान है। विज्ञान हमें उन्हीं सिद्धांतों को बताता है। तो मैं बात कर रहा था, जैसे ही हमें ठोकर लगी और हम आगे की तरफ गिरते हैं। ऐसा क्यों गिरते हैं, क्योंकि हम दौड़ रहे हैं तो हमारा पूरा शरीर गतिमान, पूरा शरीर गतिमान है, तो जड़त्व के नियम के अनुसार वो तब तक गतिमान रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अब जैसे ही हमें ठोकर लगती है तो हमारे पैर पर क्या होता है, विरोधी बल लग गया उस चीज से, जिस चीज से हम टकराए हैं, जिससे हमें ठोकर लगी है। तो हमारे पैर तो अकायक यानी अचानक क्या होते हैं, स्थिर हो जाते हैं। हमारे शरीर का निचला हिस्सा तो स्थिर हो जाता है, लेकिन हमारे शरीर का ऊपरी हिस्सा वो अपनी गति को बनाए रखने का प्रयास करता है, यानी गतिमान अवस्था में ही रहना चाहता है। किसके कारण, जड़त्व के नियम के अनुसार। और यही कारण है कि आप कल्पना कीजिए, जब नीचे का हिस्सा रुक जाएगा और ऊपर का हिस्सा चलता रहेगा तो क्या होगा, हम आगे की ओर मुंह के बल गिरते हैं। ऐसा ही अनुभव आपने कब किया होगा, आप किसी बस में या गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी रुकी हुई है, अचानक ड्राइवर जैसे ही गाड़ी को चला रहा होता है, ये एकदम से गाड़ी चल पड़ती है, तो क्या होता है, हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी चल रही है यानी स्थिर अवस्था में है, तो स्थिर अवस्था में हमारा पूरा का पूरा शरीर स्थिर है।
जैसे ही गाड़ी चलती है तो सीट के संपर्क में जितना हमारे शरीर का निचला हिस्सा है वो सीट के संपर्क में होने के कारण चल देता है आगे की ओर, जबकि विराम के जड़त्व के कारण हमारे शरीर का ऊपरी हिस्सा स्थिर बने रहने का प्रयास करता है। अब निचला हिस्सा आगे जाएगा, ऊपरी हिस्सा अपनी जगह पर रहेगा, तो क्या होगा, हम पीछे की ओर झुक जाएंगे या ऐसा लगेगा हमें कि हम पीछे की ओर धकेले जा रहे हैं। आप कपड़ों को झाड़ते हैं, साफ करते हैं, कपड़ों पे धूल, कंबल, कंबल पे धूल के कण जमा हो जाते हैं, क्या करते हैं, एक कंबल लेते हैं और डंडे से उसको पीट पीट कर, या कपड़ों को, जो भारी कपड़े होते हैं आपने देखा होगा, अपने कपड़े हैं कभी धूल जम जाती है अपने कपड़ों पे, तो क्या करते हैं हम, हाथ से झाड़ते हैं। ऐसा क्या है, ये प्रक्रिया क्या है, इसके पीछे भी जड़त्व का नियम है। जड़त्व का नियम कैसे है, हमारे एक कंबल की कल्पना कीजिए, हम उस पे क्या है, धूल के कण जमे हुए हैं, तो जब कंबल स्थिर अवस्था में है, हमारे हाथ में स्थिर पकड़ा हुआ है, तो धूल के कण और कंबल दोनों जो है सम्मिलित रूप से क्या है, स्थिर अवस्था में है। लेकिन जैसे ही हम उसको डंडे से पीटते हैं, तो डंडे से पीटने के कारण क्या होगा, कंबल गतिमान हो जाएगा, लेकिन जो धूल के कण है, धूल के कण क्या है, अपनी स्थिति को स्थिर बनाए रखने का प्रयास करेंगे, किसके कारण, जड़त्व के नियम के कारण। अब कंबल गतिमान होके क्या होगा, कंबल अपनी जगह से हट जाएगा, धूल के कण स्थिर रहेंगे, तो क्या होगा, यानी वो कंबल से टूट के गिर जाते हैं, कंबल से छूट के गिर जाते हैं। इसी उदाहरण को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, आप सभी फल खाते हैं, पेड़ होंगे, पेड़ों पर चढ़ते हैं, कई बच्चे पके हुए फलों को तोड़ने के लिए क्या करते हैं, हम डाली को हिलाते हैं, तो डाली हिलाने पर पके हुए फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसमें भी आपका जड़त्व का नियम ही लागू होता है। जड़त्व का कौन सा नियम, प्रथम नियम। तो पके हुए फलों का टूटने की बात अगर हम करें, तो ये भी इसी नियम से इसकी हम व्याख्या कर सकते हैं, कैसे, कि जो जड़त्व का नियम है उसके अनुसार पहले क्या है, पहली स्थिति पर विचार करें, फल और डाली दोनों क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए तो हैं लेकिन दोनों स्थिर अवस्था में हैं। आपने जैसे डाली को हिलाया तो डाली तो गति में आ गई, लेकिन जड़त्व के कारण जो फल है वो स्थिर रहने का प्रयास करता है, और यही कारण है कि क्योंकि ये पक चुका होता है, इनका इतना मजबूत संपर्क नहीं होता और ये टूटकर नीचे गिर जाता है। तो ये कुछ अनुप्रयोग थे जड़त्व के नियम के, कुछ अनुप्रयोगों पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो आज हमने गति के कारण को यानी असंतुलित बल को समझा, और ये भी समझा कि गति का जो प्रथम नियम है वो क्या है, जड़त्व का नियम, जिसे हम क्या कह सकते हैं, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व, दो भागों में अलग अलग भी समझ सकते हैं, यानी किसी भी वस्तु की गति की दशा में परिवर्तन करने के लिए बाह्य बल आवश्यक है, इस बात की पुष्टि ये नियम करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और आप इसका लाभ उठाएंगे। तो अगले, क्योंकि घड़ी की सुइयां आप इजाजत नहीं दे रही है आगे बढ़ने की, इसलिए आगे का जो पाठ्यक्रम है उसे हम अगले नियम को अगले सत्र में जारी करेंगे। धन्यवाद।